अरविंद कुमार। क्या हुआ था, कैसा पोस्टर? नहीं, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का था छठ पूजा, जैसे दीपावली का वो था, शुभकामनाएं का था, तो इन्होंने रात में समथिंग वही 12 बजे करीब, 11-12 बजे पोस्टर बैनर हटा दिया। तो कुछ हमारे साथ के लड़के कहाँ भैया आपका, मतलब हम लोग का पोस्टर लगा था, तो भैया बोला गया कि भैया क्यों लोग आप लोग तोड़े हैं, मतलब फाड़े हैं क्यों? तो उन्होंने कहा तुमसे मतलब कुछ पिए हुए भी थे, तो वही मैं आनाकानी सुनी हुई है। ये सपा के लोग थे? हाँ, सारे सपा के लोग थे, हम मुंह पे करे सारे सपा के लोग थे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी? इससे उन्होंने आगे मतलब थोड़ी सी आनाकानी सुनी हुई है, फिर उसके बाद इन्होंने कि जो भी मैटर हो गाड़ी तोड़ दिया गया, वो किसी के पास सबूत नहीं कि हम लोग ने तोड़ा है। यदि हम लोग ने तोड़ा होता तो आपके पास सबूत होती ना? इन लोग के पास कुछ सबूत नहीं, ये जाए गए वहाँ FIR दर्ज करवा दिए। कौन गाड़ी था? हमारे हिसाब से स्प्लेंडर थी। तो ये उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अलीनगर थाने में वहाँ FIR दर्ज हुई, सुलहनामा भी हो गया। परसों समथिंग छठ पूजा की जो भोर वाली सुबह है, वहाँ पर हमारे एक मित्र हैं बबलू पासवान, उनकी दुकान को पूरा जला दिया गया पूरा। और उसके बाद यहाँ पर FIR करने के लिए बोला गया, तो 24 घंटे के अंदर FIR होती है, लेकिन यहाँ के जो अलीनगर के हमारे जो साहब हैं वो साहब हैं उन्होंने FIR ही नहीं लिखा। आज अच्छा अब आइए, कल आइए, आ जाइए, बट उन्होंने यहाँ पर आके मतलब चौराहे पर आए, तो वो वहाँ चौराहे पर कम से कम आधा घंटा रुके थे। अब यार जो बात हो जो किए होंगे क्या कहना है? देखिए, जो न्याय इन लोगों को दिलवाना है, इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ, क्योंकि यहाँ समाजवादी के गुंडे रहते हैं। ये चेतावनी इन लोगों ने बड़ा अच्छा दिया है, सरकार योगी जी के नेतृत्व में है, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे हत्या इन लोगों ने किया है, इन लोग सलाखों के भीतर जाएंगे, इनका कोई जुगाड़ सोर्स नहीं लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि दीनदयाल नगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सफाया हो गया है, ये लोग बौखला गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ताओं पे जो इन्होंने हत्या किया है, ये हत्या का जवाब हम लोग बहुत जल्द इनको देंगे। मैडम, जो सूचना आ रही है, जो इनपुट आ रहा है, वो ये है कि बैनर को लेके हुआ भारतीय जनता छठ पूजा के भाजपा के जो बधाई संदेश लगे थे उसको फाड़ा गया, समाजवादी पार्टी का बैनर लगाने को लेकर लगा गया। आप नहीं समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज्यादा बढ़ते जा रही है? जी हाँ, 11 तारीख को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में 100-125 हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ता मेरे भी ऑफिस में आए थे। मैंने CO सदर को और इंस्पेक्टर अलीनगर को मैंने सूचना दिया था कि वहाँ देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर यहाँ इस बूथ पे लाठीचार्ज हुआ, उन सबों ने पत्थर मारा, हम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, हमारे बूथ के और नेताओं के साथ हाथापाई किया, वोटर लिस्ट फाड़ा, झंडा भारतीय जनता पार्टी का जलाया, उस सब तहरीर है बाई नेम हम लोगों ने बताया। लेकिन थोड़ी सी चूक हुई है प्रशासन की तरफ से, और हमारे महाराज जी बनारस में हैं, हमारे गृह मंत्री जी बनारस में है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही पूरी बात? थाना अलीगढ़ी में, गांधीनगर में, आज दो पक्षों के बीच में सवेरे लगभग 5-6 बजे के आसपास, इसमें अभी जो बताया गया कि 8-9 लोग थे, एक पक्ष के उसने एक व्यक्ति के सिर पे लाठी मार के और ईंट मार के उसका मर्डर कर दिया है, और मौके पर फोर्स मौजूद है, बॉडी को अभी DM साहब हमारे द्वारा भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें तत्काल अभी 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है और SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा जा रहा है। जो लोग भी नामजद हैं उनके खिलाफ अभी गिरफ्तारी के लिए टीम निकाली जा रही है, और सुरक्षा के लिए यहाँ फोर्स रखा हुआ है और यहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है, और बाकी जो उसमें विधिक कार्रवाई है उसमें भी जल्द खत्म की जाएगी। सर, राजनीतिक पोस्टर लगाने की बात आ रही है बधाई संदेश को लेकर, उसी भी बात हुआ ये पीछे जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पिछली बार जो पोस्टर लगाए गए थे वो दोनों पक्ष में आपस में पहले से विवाद चल रहा था, उसकी भी जाँच हो रही है, उसमें क्या क्या कार्रवाई होगी, किसी तरफ से लापरवाही होगी पुलिस के तरफ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो सब चीज़ों की जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के पोस्टर थे, क्या किसी पार्टी विशेष से? ये जो बताया जा रहा है छठ पूजा को लेकर कुछ पोस्टर लगाया गया था, तो उसमें कुछ पोस्टर फटे थे, तो उसकी जाँच की जा रही है किसके द्वारा वो कार्य किया गया था। पूरी CCTV फुटेज जो बता रहे हैं वो सब उसको लिया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। आगजनी जैसी भी कोई घटना है क्या यहाँ पर? आगजनी नहीं है यहाँ पे कोई मेजर, जो छोटी सी घुमटी है उसमें थोड़ा सा बताया गया कि सुबह इन लोगों के द्वारा बताया गया कि उसमें आग लग गई है एक पक्ष के द्वारा, जिसमें दूसरे पक्ष को फ़ोन करके बुलाया गया, तो मौके पर कोई आगजनी नहीं है, तब भी हमने फायर ब्रिगेड अपने मौके पर लगा दी गई है ताकि सेफ्टी के लिए, और वो यहाँ मौजूद रहेगी। क्या इस तरह की स्थिति है क्या? इसकी जानकारी की जा रही है कि पूर्व में इनके बीच में क्या 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 कोई ऐसे रंजिश का मामला है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई भी और भी इसमें एंगल आता है तो उसके ऊपर भी, जो पूर्व में भी एंगल है जिसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो उसको भी संज्ञान में लेकर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।